दो दिन से इसने पूरी मस्ती मार रखी है। अभी हम हैं एक्सप्रेस वे पे। आज ऐसा है नहीं कि हमने आज पहुंचना है। अरे जितनी भी ना इधर इधर अलग अलग होटल है, और ये जहाँ हमें लोग तो बोलते हैं राजस्थान में सूखा पड़ता है, पर यहाँ तो पानी की बरसात हो रही है ऊपर से। तो फाइनली अभी हमको मिला एक होटल। सो हर हर महादेव। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से गुजरात की ओर, और सुबह सुबह हम बैठे हैं प्रांजल के साथ नाश्ता करने के लिए। दो दिन से इसने पूरी मस्ती मार रखी है। सैटरडे संडे इनकी छुट्टी रहती है स्कूल में, तो आज ये उठा है। सुबह के बज रहे हैं 7, तो अभी प्रांजल कर रहा है नाश्ता। हम भी प्रांजल के साथ बैठे हुए हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं फिर चलते हैं। हेलो बोलो सभी को, प्रांजल की तरफ से हाय सभी को। अभी हम थे चाची के वहाँ, तो चाची के वहाँ से हम अभी थोड़ी देर पहले आए सबको बाय बाय बोल के। तो आज देखते हैं रास्ते में होल्ड कहाँ पे होता है, क्या होता है, जो भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे ब्लॉग के ज़रिए। और अभी प्रांजल है तो कल रात को भी ये लेट सोया, तो अभी थोड़ा बहुत नींद में है ना। नहीं अभी खुल गया, कुछ जब जय मामा आया तो तब ये इसके आगे खुल गया। और ये है मामा और भांजा की जोड़ी। हद से मामा भांजा जो जोगिंदर सारा भाई जोगिंदर। गुड नाइस। दीदी ने हमको दे दी है राखी, अब हम इसको पहनेंगे वहीं, क्योंकि वहाँ से हमको 8-10 दिन बाद आना है। तो अभी हम लगे रहे हैं सस्ता नीचे को। हैप्पी रक्षाबंधन है। ओके बाय बाय राखी। ओके चल बाय, ठीक है भैया। अभी हमें कूड़े के पहाड़ में, गाजियाबाद का कूड़े का ढेर दिल्ली में पड़ता नहीं, दिल्ली में जो भी है हमारे उधर पहाड़ हुए, फिर इधर ये वाला पहाड़ हुआ, एक ही बात है। आज पूरा दिल्ली घूम चुके हैं हम, मैप ने पूरा ऐसी की तैसी कर दिया। को भी बोलते हैं भाई यहाँ से फिर हमने चलना है। जयपुर एक्सप्रेस वे पे हैं हम, चढ़ेंगे हम चढ़ेंगे ना अभी सोने में। आफ्टर 1.5 किलोमीटर कीप राइट एट द फॉर्म। मैप तो हमने लगा रखा है फॉर्म में, बट वो कुछ काम का है नहीं, उसने ही पूरी दिल्ली घुमा दिया हमको आज, तो अभी हम पूछ के जा रहे हैं। सही है, अभी हमें एक्सप्रेस वे पे हम पहुंच चुके हैं। एट लेन एक्सप्रेस वे मुंबई एक्सप्रेस चार इधर चार किलोमीटर्स। तो अभी हम रास्ते में रुके हैं यहाँ पे हाईवे के बगल पे। कहाँ? हाँ किधर? हाँ अच्छा, थैंक यू। तो यहाँ से देखते हैं कुछ खाने वाने का भी, वॉशरूम वगैरह, फिर चलेंगे यहाँ से। अभी हम खा रहे हैं पहले बोलना गार्लिक ब्रेड, चीज़ गार्लिक ब्रेड और चाय के मज़े ले रहे हैं हम यहाँ पे। वो कैसे देखेगा। तो यहाँ से अभी हमने चाय वाय पी ली है, तो फास्ट स्ट्रीट वाला है ये, तो अभी यहाँ से चाय वाय पी के अब यहाँ से कमान पकड़ेंगे दूसरे जय, और भैया को तब तक देते हैं थोड़ा रेस्ट, क्योंकि उनको भी रेस्ट ज़रूरी है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से सीधे हाईवे की तरफ को और चलते हैं अभी। बस तो अभी हम चल दिए हैं, अब बोलो अपना स्पॉटिफाई चलाओ, स्पॉटिफाई चलाओ।
क्या? लोकेशन? तो अभी हम रुके हुए हैं ये पेट्रोल पंप पे, सीएनजी भरवा रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद ही हम देख रहे थे इसको, मिला ही सीएनजी पंप, तो अभी मिला है तो अभी सीएनजी भरवा लेते हैं। ऐसे अंडर पास से होके हम दूसरे रूट पे आए थे तब वहाँ मिला, उधर वाला तो ख़त्म हो गया था, तो अभी हमको लग जाएगा काफ़ी टाइम यहाँ से भी। अभी हम राजस्थान में हमने एंटर कर लिया है, तो देखते हैं आगे का। अभी हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुँचे, अभी थोड़ी देर बाद हम खाना ना खाएंगे, टाइम हो चुका है 1:30। अभी तो हम कहीं पे रुके हैं वॉशरूम के लिए, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद, फिर आज ऐसा है नहीं है कि हमने आज पहुंचना ही पहुंचना है, जहाँ पे हमको लगेगा जहाँ पे थोड़ा थक जाएंगे तो हाँ वहीं पर ही हम स्टे कर लेंगे। तो देखते हैं कहाँ पर तक पहुँचते हैं, क्या होता है। बहुत बारिश लग चुकी है यहाँ पर से, थोड़ा बूंदाबांदी तो पहले से हो ही रही थी रास्ते में, पर इधर से ज़्यादा होने लग गई अब। तो अभी बस रुके हुए हैं, अब चलते हैं। अभी हम हैं गुजरात, हम वहाँ पाकिस्तान जयपुर पहुँचने वाले हैं, और बारिश इतनी तेज़ लग गई है ना यहाँ से, बहुत तेज़ बारिश लग चुकी है अभी हमको। कितनी तेज बारिश लग गई है, जयपुर यहाँ से 20-25 किलोमीटर के आसपास। तो पिछले 1.5 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं होटल, हमको अभी तक होटल नहीं मिल रहे हैं। है भैया, भैया ने कहा जयपुर आते ही होटल मिल जाएगा, पर होटल अभी मिल नहीं रहा है, कोई अच्छा होटल मिल नहीं रहा है। तो अब क्या करें, हमें बता, टाइम 3:30 होने वाला है और भूख से भैया की हालत हो चुकी है ख़राब। अच्छा, तेरी नहीं हुई? मेरी मतलब मेरी भी थोड़ा ऐसा है कि खा लेंगे हमने, और अभी हम भैया होटल ही देख रहे हैं कहाँ पे रुकेंगे करके, तो देखते हैं अभी कहाँ पे मिलता हमको होटल। जयपुर पहुँच चुके हैं हम, अबे जाम लगा हुआ है, और अब लग चुका है जाम खतरनाक वाला, पानी भरा लगता है यहाँ। तो जयपुर में है ये, तो यहाँ पे रुके हैं, अब यहाँ पे खाएंगे खाना, इधर साइड को नया बनना है शायद इसका होटल है, तो होटल के अंदर रेस्टोरेंट होते ही हैं, तो अभी वहीं गए हम यहाँ पे। फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं मम्मी, ये बाहर बैठने का होगा ना, पर अभी पूरा मामला ख़राब हो गया इधर का, दिख तो सही रहा है वैसे, व्यू वगैरह तगड़ा आएगा इधर से। अभी हम अंदर ही बैठेंगे, अभी खाना आने के बाद देखते हैं बाहर कुछ कहाँ देखने के लिए। तो बढ़िया है जयपुर, एक होटल उधर भी है ऊपर, यहाँ सब पुराने ही कॉन्सेप्ट है। ये देखो पुराने थे ना, जैसे पुराने होते थे ये लाइटिंग वगैरह ऑन ऑफ का, ये भी पुराना ही है सब। अभी हमने ऑर्डर किया है पनीर लबाबदार और रोटी, बाकी भैया भी मेन्यू देख रहे हैं क्या पसंद आता है। भैया वैसे हम कितने किलोमीटर आ गए होंगे, कितने किलोमीटर आ गए होंगे, 400 किलोमीटर के आसपास हम आ गए, 600 और हो गया है, 600 और दिल्ली से गुजरात मान के चलो ऐसी है 1100 किलोमीटर। तो देखते हैं अभी रास्ते का, 4-4.5 तो हम आ गए और 6-6.5 और रह गया, तो भी खाना आता खा के फिर निकलेंगे फटाफट से, आज जितना क्रॉस हो सकता है तो कर लेंगे। क्वालिटी भी हमने ऑर्डर किया था, देखो आ गया हमारा पनीर लबाबदार, टेस्ट वैसा है नहीं जैसा हमने सोचा था, है ना, बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसे देख के तो लग रहा था कि सही होगा करके, पर टेस्ट में मार खा गया इधर, इधर से दिखता है सही, इधर से
गर्मी का टाइम है ना, जब बारिश वारिश नहीं होती है, तब इधर बैठ के सही इंजॉय होगा, मतलब सही व्यू आता होगा तब इधर बैठ के ना। पर अभी तो सही नहीं है बारिश के टाइम पे। देखो ये सारे जितने भी है ना इधर इधर अलग अलग होटल हैं। पर खाने की बात करूँ ना यहाँ की, तो खाना मतलब टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। जिस हिसाब का होटल है, जिस हिसाब का प्राइस है, उस हिसाब बेकार सा है खाना वाना खा के। अब हम लोग चलते हैं जयपुर से गुजरात की ओर, और अभी कमान संभाली है भैया ने। ऐसे मतलब वैसे एक दोनों चलाते रहे तो सही रहता है। भैया के टर्न है यहाँ पर, भैया ने पकड़ी अपनी कमान, और अब हम चल दिए हैं राजमहल चंद्र महल से आगे को। और खड्डे देखो कितने हैं रोड में, वो भी हाईवे पे। पत्थर देखो यार, तगड़े तगड़े ऊपर को यार, वाटरफॉल भी हो रहा है उधर से। लोग तो बोलते हैं राजस्थान में सूखा पड़ता है, पर यहाँ तो पानी की बरसात हो रही है ऊपर से। अभी हम घुस गए सुरंग के अंदर, टनल है इधर। पूरा नदी बन चुकी है, नदी हम हैं हाईवे पे, किशनगढ़ से थोड़ा आगे आ चुके हैं हम, और अंधेरा हो चुका है, 7:09 हो गए हैं। और तो अभी हमको रास्ते में कहीं पे होटल वोटल मिलेगा अगर हाईवे पे, तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे आज का। और एक होटल अच्छा सा पीछे छूट गया, अब छूटने वाले को कैसे ला सकते हैं हम वापस। तो अभी जो भी हमको होटल मिलेगा सही वाला, तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे। तो देखते हैं, अभी ढूंढते ढूंढते तो एक घंटा हो गया हमको, है ना, आधा घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते, अभी मिल नहीं रहा है। तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम रफ्तार बनाए रखेंगे, चलते रहेंगे भैया चलते रहेंगे। आज यहाँ पे भैया थक जाएंगे तो नहीं मिलेंगे तो मैं चला लूँगा, पर अभी चल रहे हैं। तो फाइनली अभी हमको मिला एक होटल हाईवे सीजन, तो देखते हैं इसमें रूम अवेलेबल है नहीं है, कैसे रूम में क्या है। अभी भैया लेके जा रहे हैं हमको रूम दिखाने। तो बड़े मुश्किल से ये रूम आया हमको, पसंद है ये रूम। कितना अभी है हमारे सोने की तैयारी, खाना हमने खा लिया, तो कल सुबह जल्दी निकलेंगे, तो अभी जल्दी सो जाएंगे, तो फिर जल्दी सुबह उठेंगे। तो सभी को करते हैं गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नए सुबह के साथ।